Welcome to the world of GK, GK Sansar. नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि सीटेट, बीटेट, यूपीटेट, रीट, एमपीटेट और अदर जितने भी टेट परीक्षाएं हमारे देश में होते हैं। अगर कोई भी टेट परीक्षा आप देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो लोग हमारे चैनल यानी जीके संसार से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ने के लिए चैनल को रेड कलर से जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है वो उसे क्लिक कर लें और पास में जो बेल है उसे भी क्लिक कर लें। बेल पे क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएगी और आप एक भी वीडियो मिस नहीं करोगे और आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया तो आप बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, आपको भी नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएगी। और जब आपको वीडियो पसंद आए तभी आप लाइक करें, अदरवाइज आप डिसलाइक बटन प्रेस करना ना भूलें। और जो भी आपका सुझाव हो वो मुझे कमेंट के तौर पे बता सकते हैं। तो आपको मैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो है उसके कुछ अहम बिंदु हैं वो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो अहम बिंदु हैं उसको मैं एक स्लाइड के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। तो पहले आप वो स्लाइड देखें, उसके बाद मैं आपको जो भी बिंदु हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के बारे में वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपके सामने ये रहा स्लाइड और आप इसे देखें और जहां तक हो सके तो आप इसे नोट डाउन अपने कॉपी में, नोटबुक में कर लें।
चलिए, आपने स्लाइड देखा और मैं आशा करता हूँ कि आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। अब मैं बात करता हूँ इसके कुछ अहम बिंदु पे। तो इसके विषय प्रवेश की बात अगर करें तो यह विद्यालयी शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है, यानी कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 है वो अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है विद्यालयी शिक्षा के लिए, और इसे तैयार किया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद, वैज्ञानिक, विषय विशेषज्ञ और अध्यापकों ने मिलकर। मानव विकास संसाधन मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में देश के चुने हुए विद्वानों ने शिक्षा को नई राष्ट्रीय चुनौतियों के रूप में देखा, और प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में देश के चुने हुए कुछ विद्वान थे जो शिक्षा के नई राष्ट्रीय चुनौतियों के रूप में देखा, और ये सब कार्य जो है वो मानव विकास संसाधन मंत्रालय की पहल पर की गई। अगर मार्गदर्शी सिद्धांत की बात करें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की, तो इसमें जो कुछ पांच पॉइंट हमने आपके लिए लाया है उसमें जो है, पहला, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, जो ज्ञान है उसे स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, यानी कि याद करने की जो पद्धति है उसे ख़त्म किया जाए और प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकली बताया जाए, ठीक है, स्मार्ट वे में बताया जाए। उसके बाद पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए, पाठ्यचर्या जो है वो किताबी रह बनकर ना रहे। कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए, और जो क्लासरूम है उसे गतिविधियों से जोड़ा जाए, ठीक है। और जो फिफ्थ पॉइंट है वो राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हों। राष्ट्रीय मूल्यों यानी कि अपने देश के प्रति, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान यानी कि उनके प्रति समर्पित विद्यार्थी तैयार हों। और जिसमें प्रमुख सुझाव दिए गए वो सुझाव मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, हो सके तो आप अपने नोटबुक में इसे नोट कर लें। पहला जो है, शिक्षण सूत्रों जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि का अधिकतम प्रयोग हो। उसके बाद सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। अगर कोई पाठ्यक्रम जो है वो विशाल है, बहुत बड़ा है, और मोटी किताबें जो हैं वो शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है, असफलता का सिंबल है। उसके बाद मूल्यों को उपदेश देकर नहीं बल्कि वातावरण देकर स्थापित किया जाए। मूल्यों को अगर किसी को स्थापित करना है, किसी को बताना है, तो उपदेश देकर नहीं बल्कि उसे वातावरण यानी इन्वायरमेंट देकर उसे स्थापित किया जाए। उसके बाद फिफ्थ नंबर है कि अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव आवश्यक है, अर्थात अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपनी मौलिक विचार शिक्षक के सामने प्रस्तुत करता है। अच्छा विद्यार्थी वही है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षक के सामने प्रस्तुत करता हो। अगर सिक्स नंबर की बात करें तो अभिभावक को सख्त संदेश दिया जाए कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा रखना गलत है। इसमें जो कहा गया कि अभिभावक यानी पेरेंट्स जो होते हैं, गार्जियन जो होते हैं, उन्हें सख्त संदेश दिया जाए कि बच्चे को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा जो है वो रखना गलत है। यानी कि पेरेंट्स क्या होते हैं कि बच्चे थोड़े से होते ही हैं बड़े, और उनसे बहुत सारे एक्सपेक्टेशन हो जाती हैं कि मेरा बच्चा वो करेगा, मेरा बच्चा ये करेगा, तो ऐसी आकांक्षा रखना गलत है। सेवन्थ नंबर है कि बच्चों को स्कूल से बाहरी जीवन में तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना, बच्चों को जो है स्कूल से बाहरी जीवन में भी तनाव मुक्त वातावरण देना। उसके बाद एट नंबर में है, कक्षा में शांति का नियम बार बार ठीक नहीं, अर्थात जीवंत कक्षागत वातावरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उसके बाद नाइन्थ नंबर पॉइंट जो है, नाइन नंबर पॉइंट है वो है, सहशैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। दस नंबर है कि समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दे। उसके बाद 11 नंबर है कि खेल आनंद व सामूहिकता की भावना के लिए है, रिकॉर्ड बनाने व तोड़ने की भावना को प्रश्रय न दें। जो खेल है वो आनंद के लिए है और सामूहिकता की भावना के लिए है, इसे रिकॉर्ड बनाने और तोड़ने की भावना से इसका प्रश्रय ना दें, उसका इतना महत्व ना दें।
बच्चों की अभिव्यक्ति में मातृभाषा का महत्वपूर्ण स्थान रखती है। शिक्षक अधिगम परिस्थितियों में इसका उपयोग करें। बच्चे जो होते हैं अभिव्यक्ति में मातृभाषा का महत्वपूर्ण इस्तेमाल करते हैं, इसलिए शिक्षक जो होते हैं वो अधिगम परिस्थितियों में इसका उपयोग करें। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। पुस्तकालय में अगर बच्चे जाते हैं तो उन्हें स्वयं अपने रुचि के अकॉर्डिंग पुस्तक चुनने का अवसर दें। उसके बाद वे पाठ्य पुस्तकें महत्वपूर्ण होती है जो अंतःक्रिया का मौका दें। वैसे पाठ्य पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण होती है जो अंतःक्रिया का मौका देते हैं। कल्पना व मौलिक लेखन के अधिकाधिक अवसर प्रदान करावें। कल्पना और मौलिक लेखन के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करना चाहिए। सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रूप में प्रयोग करना चाहिए। सजा और पुरस्कार की जो भावना है उसे एक लिमिट के अंदर प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद कहा गया है कि बच्चों के अनुभव और स्वर को प्राथमिकता देते हुए बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, बच्चों के जो अनुभव हैं और उनके स्वर जो हैं उनको प्राथमिकता देते हुए बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को प्रश्रय दें। ठीक है, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते हैं उसमें मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को प्रश्रय दें, उसे प्राथमिकता दें। उसके बाद 19 नंबर कहा गया है कि और जो 19 नंबर पॉइंट है उसमें कहा गया है शिक्षक प्रशिक्षण और विद्यार्थियों के मूल्यांकन को सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाए। और 20 नंबर पॉइंट जो है उसमें कहा गया कि शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाया जाए। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन और जो नवाचार है और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन्हें समय पर पहुंचाया जाए। अब अगर शिक्षा के लक्ष्य की बात करें तो इसमें कुछ मैंने 9 पॉइंट्स आप सब के लिए लेकर आया हूं जो कि परीक्षा के लिहाज से बहुत ही और काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला पॉइंट जो है उसमें NCF 2005 यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य किसी बच्चे के स्कूली जीवन को उसके घर आस पड़ोस के जीवन से जोड़ना है। इसके लिए बच्चे को स्कूल में अपने बाह्य अनुभवों के बारे में बात करने का मौका देना चाहिए, उसे सुना जाना चाहिए ताकि बच्चे को लगे कि शिक्षक उसकी बात को तवज्जो दे रहे हैं। इसका कहने का मतलब है कि बच्चे जो हैं वो स्कूल के साथ साथ बाहरी अनुभवों के बारे में बात करने का उनको मौका देना चाहिए। इससे उनके व्यक्तित्व के बारे में पता चलेगा, बच्चे क्या सोच रहे हैं वो सब टीचर को जानने की ललक होनी चाहिए। इससे बच्चे जो होते हैं उन्हें लगता है कि शिक्षक जो हैं उनकी बात को तवज्जो दे रहे हैं और उनमें ये विकास होता है। उसके बाद शिक्षा का दूसरा प्रमुख लक्ष्य जो है आत्मज्ञान यानी सेल्फ नॉलेज, यानी शिक्षा खुद को खोजने, खुद की सच्चाई को जानने की एक निरंतर प्रक्रिया बने। इसके लिए बच्चे को विभिन्न तरह के अनुभवों का अवसर देकर इस प्रक्रिया को सुगम बनाने की बात NCF में कही गई है। शिक्षा के तीसरे लक्ष्य के रूप में साध्य और साधन दोनों के सही होने वाले मुद्दे पर चर्चा की गई है और इसमें कहा गया है कि मूल्य शिक्षा अलग से न होकर पूरी शिक्षा की पूरी प्रक्रिया में शामिल होनी चाहिए, तभी हम बच्चों के सामने सही उदाहरण पेश कर पाएंगे। और उसके बाद कहा गया कि सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करने और जीवन जीने के अन्य तरीकों के प्रति भी सम्मान का भाव विकसित करने की बात करता है। जो पहले मैंने आपको पॉइंट बताए हैं उसी के हैं, लेकिन ये थोड़ा मैं इसलिए आपको रिवाइज करवा रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। उसके बाद जो है कि व्यक्तित्व अंतर के महत्व को स्वीकार करने की बात करता है। इसमें कहा गया है कि हर बच्चे की अपनी क्षमताएं और कौशल होते हैं, इसे स्कूल में व्यक्त करने का मौका देना चाहिए। जैसे संगीत, कला, नाट्य, चित्रकला, साहित्य या किस्से कहानियां कहना, नृत्य एवं प्रकृति के प्रति अनुराग इत्यादि इनमें शामिल हैं। उसके बाद कहा गया कि ज्ञान के वस्तुनिष्ठ तरीके के साथ साथ साहित्यिक एवं कलात्मक रचनात्मकता को भी मनुष्य के ज्ञानात्मक उपक्रम का एक हिस्सा माना गया है। यहाँ तक
तर्क जो होता है वो मनोवैज्ञानिक अन्वेषण के साथ साथ भावना, जिसमें साहित्य आता है, वाले पहलू को भी महत्व देने की बात कही गई है। और उसके बाद जो 7th नंबर है, इसमें कहा गया है कि शिक्षा को मुक्त करने वाली प्रक्रिया यानी लाइब्रेटिंग प्रोसेस के रूप में देखा जाना चाहिए, अन्यथा अब तक जो कुछ भी कहा गया है वह अर्थहीन हो जाएगा, यानी कि बिना अर्थ का हो जाएगा, कोई उसका मतलब नहीं रह जाएगा। शिक्षा की प्रक्रिया को सभी तरह से शोषण और अन्याय, गरीबी, लिंग भेद, जाति तथा सांप्रदायिक झुकाव से मुक्त होना पड़ेगा, जो हमारे बच्चों को इस प्रक्रिया से वंचित करते हैं। और 8वीं बिंदु जो बताई गई है उसमें पढ़ने पढ़ाने के काम के लिए अच्छा माहौल बनाने की बात करता है, और साथ ही ऐसे माहौल बनाने में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने की भी बात करता है। यानी शिक्षक जो होते हैं वो खुद आगे ना आकर बच्चों को नेतृत्व करने का मौका दें। और जो 9वां बिंदु है कि अपने देश के ऊपर गर्व की भावना विकसित करने की बात करता है, ताकि बच्चे देश से जुड़ा हुआ महसूस कर सकें। इसके साथ ही यह कहा गया है कि बच्चों में अपने राष्ट्र के प्रति गौरव की भावना संपूर्ण मानवता के महान उपलब्धियों के प्रति गौरव को पीछे ना कर दे, इन सब बातों पर ध्यान दिया जाए। और ये सब जो 9 बिंदु हैं वो पहले मैंने उस 20 बिंदुओं में डिस्कस किया, लेकिन फिर से मैं इसको इसलिए आपके सामने लाया क्योंकि आप अच्छे से समझ सकें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके आने वाली परीक्षा में इससे मदद भी मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।